आखिर इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह, तथा मुसलमान कौन हैं, इनका असली सच क्या है, और क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता, क्यों दफनाया जाता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म का वह सच जिसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने वाले मुसलमानों के बारे में तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, जिनके बोलने और रहने का तरीका बाकी लोगों से अलग है। बस सवाल ये आता है, आखिर मुसलमान कौन है, इनका असली सच क्या है, क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मत अरब के रहने वाले थे। अरब में पेड़ पौधे वगैरह नहीं पाए जाते हैं, यही कारण है कि वहाँ पर जब लोग मरते हैं तो उन्हें जलाने के बजाय ज़मीन में दफनाया जाता है, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं होती हैं। और अब ये चीज़ सालों से मुसलमान करते आ रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ को अपनी परंपरा समझ लिया है। और सवाल करें कि मुसलमान सर पर टोपी क्यों पहनते हैं, तो दोस्तों अरब देशों में पड़ने वाली गर्मी से बचने के लिए मुसलमान अपने सर पर टोपी पहनते थे, और अब यही चीज़ सभी मुसलमान कर रहे हैं। अब जो सबसे अहम सवाल आता है वो ये है कि मुसलमान आपस में बहन भाई से शादी क्यों कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये लोग एक कबीले के खाना दोस्त होते थे, इसलिए आपस में बहन भाई का निकाह हो जाता था, इसलिए उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ता था। पर वह लोग शादी से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ में वह शादी कर रहे हैं वह उसका सगा भाई है या सगी बहन तो नहीं है। अगर कोई चाचा, आया, मामा, बुआ का लड़का लड़की हो तो उसके साथ ये लोग आराम से शादी करके अपना घर बसा सकते हैं। और दोस्तों, ये लोग बड़ी शान वान से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और दोस्तों, खाने की बात की जाए तो आप लोग जानते होंगे कि अरब देशों में खाने पीने के लिए ज़्यादा साधन नहीं है, इसी वजह से वो लोग मांस खाते हैं। यही वजह है कि आजकल के मुसलमान भी मांस खाते हैं और ये एक परंपरा मानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियोस में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियोस को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।